का खून में तूफान है, टकरा कर देख लेना जिसे भी गुमान हो। इन दिनों सूबे की सियासत में युवा जोश खूब उफान मार रहा है। ये इनके इन प्रकारें सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, चुनौती दी जा रही है और फिर युवा जोश के होश को भी संभालने की बात कही जा रही है। सूबे की सत्ताधारी पार्टी में चिंतन शिविर में यूथ को आगे बढ़ाने पर खूब चिंतन मनन हुआ। बड़े बड़े संकल्प भी लिए गए, लेकिन सूबे के मुखिया जी भी कहाँ गलत कहते हैं। राजनीति में जो होता है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखता है वो होता नहीं। चिंतन शिविर में यूथ को 50% पद देने की घोषणा हुई। अब यूथ कांग्रेस के मौजूदा और पूर्व अध्यक्षों ने नाराज होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कई और युवा विधायक भी अलग अलग कारणों से नाराज हैं। पार्टी के सयाने नेता कहते नजर आ रहे हैं कि यूथ को 50% पदों पर नियुक्ति मिलेगी, तब की तब मिलेगी। फिलहाल मुखिया जी के अंदाज में कहे तो रगड़ाई ही होगी। अब देखिए, एनएसवाई और युवा कांग्रेस के पूर्व मुखिया तो पहले से ही युवाओं की हिमायत करने वाले सूबे के पूर्व डिप्टी के खेमे में हैं, जो गाहे बगाहे मोर्चा खोलने में जरा से भी नहीं कतराते। वहीं अब मौजूदा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो उन्हें भले ही मुखिया जी के खेमे का माना जाता हो, लेकिन वो भी इन दिनों अपनी शक्ति का एहसास करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। हालांकि मुखिया जी ने तो इसे युवा जोश ठहरा दिया। वहीं इस मसले को अभी तक पूरी तरह सुलझा भी नहीं पाए थे कि अब एक और युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा मंत्री ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें जलालत महसूस हो रही है। ये आंकड़ा यही नहीं रुकता, बल्कि चुनाव जीतकर आए कई युवा विधायक नाराज हैं। ये विधायक सार्वजनिक तौर पर भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और अब तो ये इस्तीफे भी देने लगे हैं। ब्यूरोक्रेसी पर हमला बोलकर ये विधायक सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस 50 साल के उम्र के लोगों को युवा मानती है, इस लिहाज से अब जरा पिछले दिनों में ब्यूरोक्रेसी से नाराजगी जाहिर करने वाले विधायकों की उम्र देखिए। अशोक चांदना 38 साल के हैं, गणेश घोगरा 38 बरस के ही हैं, रामलाल मीणा 37, दिव्या मदेरणा 37, गिरिराज सिंह मलिंगा 47 के हैं। वहीं 43 साल के AICC सचिव धीरज गुर्जर ने भी पिछले दिनों प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को लेकर सवाल उठा दिए थे। ये सभी गहलोत खेमे के ही माने जाते हैं। दूसरी ओर पार्टी में ही एक विरोधी खेमा भी सक्रिय है। इस फेरिस्त में पायलट समेत उनके खेमे के विधायकों को भी शामिल कर लिया जाए तो नाराज युवा विधायकों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। पायलट खुद 45 साल के हैं, जबकि उनके सहयोगी इंद्राज गुर्जर की उम्र 39 साल है, वेद प्रकाश सोलंकी की उम्र 46 साल है, मुकेश भाकर की उम्र 34 साल है और रामनिवास गावड़िया की उम्र सिर्फ 31 साल है। कुल मिलाकर वक्त की मांग को समझते हुए कांग्रेस युवा जोश को आगे लाना चाह रही है, लेकिन युवा नेता ही सत्ता और संगठन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। लिहाजा ऐसे में 50% पद देने का फॉर्मूला लेकर आई कांग्रेस 10 दिनों में ही फेल होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।